बिग बॉस का फिनाले जो है अब कुछ ही घंटे बाकी रह चुके हैं इस फिनाले में, और फैंस बहुत बेसब्र हैं ये जानने के लिए कि बिग बॉस ओटीटी 3 का विजेता कौन होने वाला है, किसके सर पर जीत का सहरा बंधेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अब तक जो बिग बॉस ओटीटी 3 में चल रहा था वो अनफेयर तरीके से चल रहा था, ऐसा फैंस का कहना है। तो फैंस ये जानने को तैयार थे कि आखिर बिग बॉस क्या चाहते हैं और किसके सर पर जीत का सहरा बंधने वाला है। तो आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर जो निकल के सामने आई है वो ये कि अब टॉप 5 जो है वो टॉप 4 में शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि एक उम्मीदवार जो है उसको घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कहा जा रहा है कि इनको जो वोटिंग हो रही है उसमें सबसे कम वोट पड़े हैं और इसीलिए इनका पत्ता टॉप 4 में से कट चुका है, और वो शख्स हैं कीर्तिका मलिक। जी हाँ, अभी तक खबरें ये आ रही थी कि कीर्तिका मलिक को उनके फैंस भर भर के वोट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कीर्तिका मलिक जो है वो टॉप 3 में शामिल होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि कीर्तिका मलिक जो है वो टॉप 4 में भी जगह नहीं बना पाई हैं और उनको घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अरमान मलिक और पायल मलिक बेहद खुश हो रहे थे ये सोच सोच के कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रॉफी उनके घर आ जाए, क्योंकि मलिक परिवार की कीर्तिका मलिक जो है वो एक मजबूत दावेदारी के तौर पर मानी जा रही थी। लेकिन अब ये संशय खत्म हो गया है, मलिक परिवार में ये ट्रॉफी जो है बिग बॉस की नहीं जाने वाली है। कहीं ना कहीं कीर्तिका मलिक जो है पूरे बिग बॉस में एक डमी की तरह नजर आई, कभी वो पायल मलिक के पीछे नजर आई खड़ी, तो कभी वो अरमान मलिक के पीछे नजर आती थी। अपना कभी कोई स्टैंड उन्होंने नहीं लिया, वो कभी अपने लिए लड़ी नहीं, वो हमेशा अरमान मलिक को फॉलो करती हुई दिख रही थी, और इसीलिए जो है उनको बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया गया। और सबसे ज्यादा ट्रोलिंग हुई उन्हें दूसरी पत्नी होने का, क्योंकि उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के पति से ही शादी कर ली और वो भी एक हफ्ते के अंदर, तो काफी ट्रोलिंग का सामना कर रही थी। लेकिन टॉप 5 में जब वो शामिल हुई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि लव कटारिया तक को निकाल दिया गया था, जो कि एक बड़ा मतलब जिसको माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये बिग बॉस का विनर बनने वाला है लव कटारिया। उनके पीछे एक बड़ी फौज थी, लेकिन वो फौज को जो है तोड़ते हुए बिग बॉस ने एक बीच का रास्ता निकाला और घर में ही नॉमिनेट करके लव कटारिया और शिवानी को निकाल दिया गया, जिसके बाद जो है टॉप 5 में जगह बनाने में कीर्तिका मलिक कामयाब रही थी। लेकिन अब वोटिंग के आधार पर जो है उनको एविक्ट कर दिया गया है, यानी कि अब वो घर से बाहर हो गई हैं। कल फिनाले होने वाला है और फिनाले से पहले जो है ये एविक्शन बहुत मायने रखता है। अब टॉप 4 की लिस्ट में जो है वो 4 दावेदार हैं, जिसमें सना मकबूल, रणवीर शौरी, नेजी और साई केतन जो है वो शामिल हैं। अब देखना होगा कि बिग बॉस का विनर कौन बनता है। हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट जो है आपको बिग बॉस से रिलेटेड वो यहाँ मिलने वाला है, तो बने रहिएगा। हर एक वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। हर खबर के लिए देखते रहिए आप घूमती आंख।